तो यहाँ पर एक और अमेजिंग रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखे तो अपन को ये इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ पर, और ये इस चीज के इक्वल होता है जो कि गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एंड होल डिवाइडेड बाय टू टाइम्स गामा ऑफ एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू। सो इस चीज को अपन यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि बीटा ऑफ पी क्यू, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to 1 एक्स की पावर पी माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर क्यू माइनस वन डी एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अपन को बीटा एंड गामा फंक्शन में भी रिलेशन पता है, सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ, तो जो मेरा डी एक्स है यहाँ पर मेरे पास 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है अब वो यहाँ पर 0 to π/2, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर 0, और जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे π/2। यहाँ पर मेरे पास एक्स की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसकी पावर पी माइनस वन, 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर यहाँ पर क्यू माइनस वन, डी एक्स की जगह 2 sin θ dθ, 2 sin θ cos θ dθ, ये चीज आ जाएगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर 2p-1 थीटा, साइन थीटा की पावर इतनी हो जाएगी मेरे पास। और कॉस थीटा की मैं देखूं तो पावर सेम ही हो जाएगी, एंड यहाँ पर डी थीटा आएगा और 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ। और ये चीज मेरे पास गामा ऑफ टी गामा ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय गामा ऑफ पी प्लस क्यू थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो 2p-1 है उसको एम पुट कर देता हूँ, और 2 ये सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा, ये 2q-1 इज इक्वल टू एन पुट कर देता हूँ। सो पी इज इक्वल टू मेरे पास m+1/2 आ जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू n+1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, सो ये तो मेरे पास गामा ऑफ एम प्लस वन डिवाइडेड बाय टू गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m+n+2/2 बन जाएगा, एंड इधर का जो हाफ था वो इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। और जो मेरे पास ये चीज है वो क्या बन जाएगी, 0 to π/2 अपन को इंटीग्रेशन करना है किस चीज का, साइन थीटा की पावर एम मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की पावर एन थीटा, इस तरीके से। और यही अपन को प्रूफ करना था। सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।